महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद जारी है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद बीजेपी ने कहा कि शिवसेना को नया प्रस्ताव भेजा गया है और अब शिवसेना के प्रस्ताव का इंतजार है। वहीं मुख्यमंत्री के पद पर समझौते के सवाल पर पार्टी का रुख थोड़ा नजर आया। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर कवायद जारी है। इस कवायद के बीच सरकार बनाने की तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। बीजेपी की तरफ से संकेत आ रहे हैं 50-50 के फॉर्मूले पर शिवसेना से समझौता हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम बन सकते हैं। पहले आदित्य ठाकरे के नाम पर शिवसेना में चर्चा थी, लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं और उद्धव ठाकरे के नाम पर मुहर लग सकती है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद बीजेपी ने कहा कि शिवसेना को नया प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन अभी तक शिवसेना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हमने बता दिया कि हम सरकार बनाएंगे, शिवसेना की ओर से हम इंतजार कर रहे हैं और हमें विश्वास है जल्द से जल्द शिवसेना भी प्रस्ताव देगी और प्रस्ताव पे चर्चा संवाद होने के बाद सरकार सिर्फ हमारी ही बनेगी। हमने बता दिया देवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। बात सरकार बनाने के लिए हमारी विस्तृत चर्चा हुई है। हम शिवसेना का इंतजार करेंगे मगर सरकार हम बनाएंगे। एक तरफ सरकार बनाने की कवायद हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी और शिवसेना दोनों पार्टियों के नेता जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। अब एक बार फिर संजय राउत ने बयान दिया है। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। उन्होंने साफ कहा कि महाराष्ट्र का फैसला महाराष्ट्र में होगा, दिल्ली का प्रदूषण महाराष्ट्र में नहीं आएगा। दिल्ली का जो प्रदूषण है वो महाराष्ट्र में नहीं आएगा, महाराष्ट्र का निर्णय महाराष्ट्र में होगा। उद्धव ठाकरे साहब निर्णय करेंगे। राजनीति में बातें उड़ती है, बातें उड़ाने वाले लोग भी होते हैं, बातों बातों में बहुत सी बातें बन भी जाती है। इतना मैं कहूंगा, सरकार बनाने को लेकर बीजेपी भी मंथन कर रही है और शिवसेना के साथ समझौते को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि शिवसेना से जल्द समझौता हो सकता है। वहीं सोमवार को देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि सरकार हम ही बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और एनसीपी भी महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। सोमवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और महाराष्ट्र के सियासी हालातों पर चर्चा हुई थी। वैसे शरद पवार कह चुके हैं कि उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, मगर ये भी सच है कि आखिरी वक्त में क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल बीजेपी ने अपना रुख थोड़ा नरम किया है और अब देखना ये है कि बीजेपी के नए प्रस्ताव का जवाब शिवसेना कब तक देती है। मुंबई से R9 TV के लिए संजय प्रभाकर की रिपोर्ट।